अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी सब खैर खैरियत से है, अल्लाह का शुक्र है, करम है। और सितारा यासीन का व्लॉग नहीं आ रहा, मैं भी देख रही थी तो पता चल गया है कि क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा। उसने इतना अच्छी तैयारी करके अपनी भतीजी को, भाई को, भाभी को रुख्सत किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि वहाँ जाके हेटर लोगों ने एक अफवाह फैलाई है कि फारूक भाई ने जो है ना अपनी बहन को सलमा को बुला लिया है शादी पे। तो सितारा को एकदम से किसी ने ख़बर दी है तो वो बहुत ही परेशान हुई है। परेशान होने से उसने ना ब्लॉग बनाना बंद कर दिया है। माँ भी परेशान है, बेटी भी परेशान है, सारा घर उनका परेशान है। भाई क्या वजह होगी, क्यों बुला लिया, इतने अरसे तो बात भी नहीं कर रहे थे। अब यहाँ से होके गए इस्लामाबाद से, तो उसके बाद उन्होंने भाई उसको दावत दे दी है, शादी का कार्ड भेज दिया है, वो आ रही है। अब ये बात जो फैली है तो फिर फारूक भाई तो खुद नहीं बनाते हैं ना, वीडियो वगैरह देखते भी नहीं है। उसकी बीवी ने फिर बताया है उसको कि भाई वो सितारा यासीन तो बहुत परेशान है बहन तुम्हारी, और सलमा को आपने बुलाया है क्या। तो फिर उसने बयान दिया कि नहीं ये काम हो सकता है। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया है, माँ को फ़ोन किया है, उसको तसल्ली दी है कि भाई मैंने नहीं बुलाया, आप लोगों को किसने बताया है। तो उन्होंने कुछ नहीं बता रही थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और फिर पता चला इनको कि ये डीडी, डीडी की माँ और उसकी बहन नैना, नैना की चलाकियाँ और डीडी की चलाकियाँ। फिर उसने नैना को तो कुछ नहीं कहा कि कोई लेडीज़ का नाम नहीं लेते हैं। तो उसने डीडी को बहुत कुछ सुनाया है कि जो है ना तुमने अच्छा नहीं किया, तुम क्यों इस तरह से आग लगाते फिर रहे हो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, चमचागिरियां करते फिर रहे हो, तुमने क्यों ऐसी बातें फैलाई हैं जबकि मैं बात भी नहीं करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो। उसने कहा नहीं सबूत है मेरे पास। उसने कहा अगर मैं बात करता हूँ तो वो सबूत दिखा दो, मैं अपना चैनल छोड़ दूँगा। अगर तुमने सबूत ना दिखाया तो फिर तुम्हें चैनल छोड़ना पड़ेगा। और देखो तुम्हारी माँ बहन का मैं नाम नहीं बिगाड़ता हूँ, तुम तो मेरी बीवी को, उसकी फारूक भाई की बीवी का भी नाम बिगाड़ते रहते हो, हर वक्त बिगाड़ बिगाड़ के नाम लेते हो, बहनों का भी सलवार बीबी, तो बुरे बुरे नाम सलमा का भी, सतारा का भी लेते रहते हैं। तो उसने कहा ये अच्छी बात नहीं है नाम लेना ना। वो जो है ना जो फारूक भाई है उनकी जो बेगम है उसने भी फ़ोन किया था इनको, और इनको व्लॉग में भी उन्होंने ठीक ठाक झाड़ा है कि भाई मेरी बेटी जाने, मेरी बेटी की फुफ्फो जाने, मैं जानूँ, मेरी नंद जाने, तुम लोग क्यों बीच में हमारा नाम लेते हो, हमें परेशान करते हो। बहुत इनको परेशान किया हुआ है डीडी ने, डीडी ने इतना परेशान किया हुआ है। और डीडी की जो है ना साथ मिली हुई है माँ और बहन, दोनों माँ बहनें मिल के, माँ बहन क्या वो उसका बहनोई भी डीडी का, ये भी, क्योंकि ये जो है डीडी की जो बहन है नैना, नैना और नैना का मियाँ, ये तो खाते पीते सितारा यासीन से थे और इन्होंने चैनल बनाया इन्हीं के पास से और सारा कुछ। और फिर बाद में इन्होंने ऐसा गंद किया कि दोनों बहनों को लड़वा दिया कि भाई ये बहनों का आपस में सुलह नहीं हो और मैं सामने हूँ। नैना ने ये नहीं सोचा कि बहनों की जब लड़ाई होगी तो वजह तो मैं हूँ ना, मेरी वजह से हो रही है, ये नैना ने ही सारा गंद किया हुआ है। अब जो है ना नैना जो है बीच बीच में से मुझे लगता है डीडी को जो है ना कह देती है कि ये गंद करो तुम, तो ये बातें करो। ये नैना, डीडी और डीडी की माँ, ये दोनों मिले हुए हैं। हालांकि इनका वो दूसरा भाई कितनी अच्छी सी वीडियो बनाता है, चुपचाप सादा सादा रहता है, आराम से रहता है, वो तो नहीं तंग करता। और मामू बहुत परेशान था, उसने कहा मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, तुम लोगों को अपना औलाद समझा है, तुम लोग इतना गंद क्यों कर रहे हो, इतनी मिन्नत तरलों से कह रहे हैं कि भाई नहीं करो ये गंद सारा, हमारा नाम नहीं लिया करो, मेरी बहनों का नाम ना लो, मेरी माँ का नाम ना लो, मेरी बीवी का नाम ना लो। जो फारूक भाई की बीवी है ना वो इसकी पहले साली थी, इसने उसकी बीवी बहन अपनी बीवी को छोड़ दिया तो वो साली है, साली की वजह से भी उसको ना उल्टा सीधा उसका नाम लेता रहता है, उनकी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो ये सारा काम डीडी का है, डीडी ने बहुत गंद किया हुआ है। तो देखो अब अल्लाह करे कि इसके भाई ने कहा तो है कि भाई सितारा यासीन को कि भाई तुम बेफिक्र होकर वीडियो बनाओ, तुम टेंशन ना लो, मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, ना बुलाया है मैंने,
तो अब देखते हैं आगे कितना सच है कितना झूठ है। डीडी कह रहा है कि नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बुलाया हुआ है। अब डीडी सच्चा है कि फारूक भाई सच्चा है ये तो बाद में पता चलेगा। तो बस आपने लाइक करना है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो बस जी फारूक भाई ने फिर जो है ना खूब इसको अच्छी अच्छी सुनाई है खरी खोटी, और ये मान तो नहीं रहा डीडी। उसने कहा है कि देखो अच्छी बात नहीं है, तुम मेरी बहनों का नाम लेते हो, मेरी माँ को तंग करते हो, परेशान करते हो। पता है क्या है, सितारा यासिन को तंग करने के लिए चाचा जो है उसका वो भी सलमा का सुसर लगता है। सलमा के पास गया तो वहाँ कैसे हाल थे उसके, फिर गांव से जब गया सितारा के पास तो जब क्या हाल था। सितारा को ना अफसोस होता है अंदर ही अंदर कि मैंने कितनी खिदमतें की, खातरें की, दूध पिलाए, असली घी मक्खन खिलाए, पराठे खिलाए। अब वो चाचा भी वहाँ जब गांव गया तो वहाँ जाके खिलाफ वीडियो बना रहा है। ज़ाहिर है उसके अपने सगी औलाद जो है वो इतनी खिदमत नहीं करते, वो जो है ना अपनी तरफ कर लेते हैं बस, वो सुतेली जो है तो बस सुतेली बना देते हैं। हालांकि वो चाचा को सोचना चाहिए कि वो मेरे भले में है, मुझे कितनी मेरी आँखों का इलाज कराया, मेरे खून की कमी थी, कमज़ोरी थी, दवाइयाँ इलाज सब चीज़ें अच्छी, रातों को जा के दूध देना, असली घी मक्खन लेके रखे हुए थे, मेवे लेके रखे हुए थे, बादाम पिस्ते कूट कूट के उसने ना फक्कियाँ बना के दी हुई थी कि चाचा सेहतमंद रहे, माँ सेहतमंद रहे, सारा मेरा घर सेहतमंद रहे। और माशाल्लाह हैं भी, और ये जो है ना इनको तकलीफ़ उठती है, ये है सारे हेटर लोग, तो ये जो है ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। अब बहन भाइयों में सुलह है और मोहब्बत है, और वो बच्ची की शादी है उसको गंद करने के लिए उल्टी सीधी मार रहे हैं। लेकिन वो सलमा को तो बुलाया नहीं है, फारूक भाई कह रहे मैंने नहीं बुलाया, लेकिन साया सतारा जो है ना बहुत परेशान है इस वजह से, उसका ब्लॉग भी नहीं आ रहा। तो बस ये इतनी सी छोटी सी मेरी वीडियो है, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करना सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना सब्सक्राइब करना। लेकिन है बड़ी गलत बात कि ये सतारा को बहुत तंग किया हुआ है इन लोगों ने। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।